हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी वैशाली निशा। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि व्लॉगिंग करने के लिए, बट नहीं कर पा रही थी। सोच रही थी कुछ नया सा कंटेंट मिले तो मैं करूं फिर, बट अब मैं जा रही हूँ कजन्स के वहाँ शादी है अपने होम टाउन पर। तो मैं कितना इन्जॉय करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या क्या ले जाने वाली हूँ, तो आपके साथ मैं सब शेयर करूँगी। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं पैकिंग की ओर। बट अभी पैकिंग तो कुछ हुई नहीं है, थोड़ी सी हुई है, थोड़ी नहीं हुई है, बट मैं जितना भी कर रही हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। आगे क्या भी करने वाली हूँ ये सब आपको सब शेयर करूँगी, आप वीडियो में बने रहिए। ये मेरे इयररिंग्स हैं, अच्छे हैं, ले जाने वाली हूँ इसको भी ले जाने वाली हूँ, बट लिंग ले गई थी मैं इसको। ये मेरे बैंगल्स हैं, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले बैंगल्स। मैं इसको लेकर गई थी और शायद मैंने पहने भी, शायद नहीं, कंफर्म मैंने पहने हुए थे, आई एम श्योर जी। सो ये मेरे इयररिंग्स हैं, ये मेरे आउटफिट से मैच होते हैं। सो मैंने आउटफिट के साथ मैंने यही एक्स पहने हुए थे, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया हुआ था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने इसका वीडियो शायद नहीं, आई एम श्योर मैंने इसका शॉर्ट मैंने यूट्यूब पे किया हुआ, अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो ये मेरे इयररिंग्स हैं, ये मैंने डेली यूज़ में ले गई थी, अच्छे लग रहे थे ये भी, बिकॉज़ ये इयररिंग्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से ये ख़रीदा ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये टीका मैंने ले गई थी पर नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा हैवी हुआ था इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया था। ये मेरी ही है, मैं इसको ये सब ले जा मतलब ले गई थी, अच्छा लग रहा था, इसको मैंने लगाया हुआ था, प्यारा लग रहा था। और ये भी ले गई थी मैं, हाँ ठीक, ओके लग रहा था यार। लेकिन शादी के फंक्शन में रेडी होना यार बहुत दिक्कत देता है, इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम भी कम रहता है, प्लस साथ में बुलाया भी जाता है बहुत जल्दी, आओ आओ आओ, तो मैं इतना जल्दी मतलब सही से रेडी नहीं हो पाई थी, बट ठीक था, अच्छी लग रही थी। और इसके मैंने वीडियोज़ और क्लिप्स मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये आईलेसेस हैं स्विस ब्यूटी की, मैंने मंगवाई थी, बट इसको लगवाना भाई बहुत हालत ख़राब रहती है। वो तो मेरी बहन थी सोनम जिसने लगा दिया था, लेकिन इसको लगाना बहुत ज़्यादा हैवी थी भी थी, और इसको लगे रहना 24 घंटे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और ये क्लिप्स मैं लगा के गई थी यार, बहुत प्यारी लग रही थी इसकी, मैंने वीडियो लगा के पूरी वीडियो मैंने शूट की हुई है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। इसकी तो पैकिंग मैंने दिन को ही कर ली थी, ये रात को 12 बजे तक पैकिंग हुई थी, पैकिंग चल ही रही थी, तो मैंने की नहीं थी, मैंने बस कुछ रखे हुए थे कपड़े, बट जो तब आई थी ये, तब ये अपना देख देख के रख रही थी कपड़े एक एक कर करके, मतलब 12 बजे तक, 1.5 घंटे तक पैकिंग चली हुई थी यार, मतलब जाना था, इतनी रात तक पैकिंग चली हुई थी, हद होती है। तो ये नेक्स्ट डे, तो अभी टाइम हो रहा है 11:05 हो रहा है तो आज 24 नवंबर, तो मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, यू नो दैट, मैंने बताया था आप लोगों को मैं शादी में जा रही हूँ, और इसके लिए अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ रेडी होने के बाद। ओके टाटा ने, बाय बाय, आप रेडी होने के बाद, बाय बाय। Oh, 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 oh,
तो यहाँ हम रेडी हो चुके हैं, तो निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पे निकलते वक्त मैंने कुछ भी सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक थी एंड बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैंने कुछ भी मैंने सूट किया था। अब मैं डायरेक्टली ट्रेन में बैठ कर आपसे बात करती हूँ। ओके, तो हम आ गए हैं यहाँ सीतापुर के स्टेशन पर। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं जिसके घर में शादी है उन्हीं के घर में जाते हैं, मतलब मेरी मामी के घर में जा रहे हैं। तो मैंने कुछ था स्टेशन की तरफ, मैंने कुछ थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब मैं शादी के घर पर जाकर आपसे बात करती हूँ। ये देखो तो पीछे आ रही है, बस अकेले अकेले फोटो खींच लो, मेरा ब्लॉग बनना है। ये तो पहले चले जा। हाय, यू से हाय। हाय हाय सभी, हाय। ये ब्लॉग बना। हां, कैसी हो आप? ये मेरी भी चांस है, मैं भी बना रही हूं। फोन ही करते हैं, अभी मिलते हैं फिर जमाशी के जाने के वहां। और कहाँ थी? हेलो गाइस, तो यहाँ पे हमें अपनी राय को दिखाती हूँ। आकांक्षा आओ, ये देखिए मैं आपको थोड़ा ये क्या अपनी गुड़िया ना, जिसको कहते हैं मेरा होम टाउन भी कह सकते हैं जिसको। यहाँ तो मैं केवल मेरा जन्म हुआ, बाकी तो मैं वहाँ हुई, लखनऊ में मेरा ये हुआ है। और ये देखिए सी जो ये है मेरी भांजी है, बट इसको मैं भांजी नहीं कहती, ये मेरी मौसी, मतलब क्या दोस्ती वाला है, दोस्ती वाला है, नॉट मौसी भांजी, आजकल सब नॉर्मल है। गा नीलम दीदी, मेरा ब्लॉग तो बन जाए। एंजॉय करते हुए बहुत मजा आया था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दीदी के घर, मतलब मैं दीदी नहीं आई थी और सोनम, हम लोग सब केवल दीदी। और आखिर मैं इतना थक गई थी तो केवल मैं रेस्ट करने लगी हुई थी। मौसी के घर नहीं गई थी क्योंकि डायरेक्टली बोला दीदी के घर चलो, तो मैं दीदी के वहाँ ही आ गए थे सभी लोग। तो यहीं से अब थोड़ा सा मैंने आराम आराम किया। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी बिट्टू, जिसने हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस भी किया था और बहुत ज़्यादा ही प्यार करती भी हूँ, कर किया भी था। और इतना ज़्यादा मैं कि और ये अभी कर रही हैं शैतानी, मतलब इतनी ज़्यादा शैतानी ये करती हैं, देखने में क्यूट से लगती है, बस सीधी लगती है, बट उतनी सीधी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने प्लानिंग करूँ, टाइम हो रहा है यहाँ पर रेडी होने का, तो रेडी सोच रही हूँ मैं हूँ, मम्मी को दे के जाके ला, हमको दे दो। इसलिए मैं रेडी होने के बाद आप लोगों से अब मैं मिलती हूँ। ओके, चलो तैयार। This is my outfit. तो कैसी मैं लग रही हूँ आप जरूर कमेंट करिए, कैसी लग रही हूँ, आई होप सो अच्छी लग रही हूँ।
मेरे ख्याल से हम लोग बोल रहे थे अच्छी लग रही है, आप लोग बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। अभी तो मैं शादी इंजॉय बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और ये देखिए मेरे दोनों सिस्टर लगी हैं ड्रेस में, तो दूर दूर से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है, दूर से वीडियो से वॉकने में लगी हैं। और पीछे मेरी मम्मी खड़ी हुई है, मैं उनको भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए तो शादी की वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग ने शादी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ मैंने पिक यहाँ पे ऐड कर दिए, तब तक के लिए आप वो देखिएगा। तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर दिया, तो मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग जा रहे हैं फिर से चाय पीने के लिए हॉल, तो यहाँ पे कुछ टाइम हो रहा था 6 AM का, मतलब इन सुबह सुबह की चाय पीने वाकई में बहुत अच्छी लगती है, वो भी ठंडियों में। तो सुबह ही सुबह हम लोगों ने सोचा चलो चाय पीने चलते हैं, तो हम लोग वही मॉर्निंग में निकल लिए। और यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था इसलिए मैंने कुछ शूट कर लिया था, और इसके आगे का कुछ भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई इस क्योंकि इमरजेंसी में मुझे हम लोगों को लखनऊ वापस आना था, तो इसके आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, देन सॉरी। प्लस अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय। और एक मैंने वीडियो यहाँ पे ऐड किया अपने डांस की, वो भी देखिएगा। ओके बाय बाय। अपनी तो जैसे तैसे।